हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव, और हमारे साथ देखिए कौन है। बहुत लोग हैं। ए यार, कौन है? इनका शो है। लेकिन ये इतनी पीली क्यों लग रही है गाइस? हाँ यार, मैंने कहा था ना, मैंने नहीं, वेदर गाइस, ये लड़की आज अपना शूट करके आई, तो मेकअप वेकअप करके और ऐसी चल रही मरीन ड्राइव। इसको देखिए तो एक बार गाइज, ये अभी अपने शूट से वापस आई हैं और ये बहुत स्टाइल मार रही हैं इन्होंने, क्योंकि मेकअप कर लिया है कुछ जा, और देखिए तो कैसे जा रही है मरीन ड्राइव। इतनी सुंदर लग रही हो, अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही हो हर्षिता? ए हर्षु, देख रहे गाइजा, हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकल गए हैं। हमारी बिल्डिंग आप देखना चाहेंगे मुंबई में, क्योंकि मुंबई का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं पूरे रास्ते बोलते जाऊंगी, पूरे औरत आदमी सब मुझे देखेंगे और कहेंगे ये लड़की पागल हो गई यार। हालांकि तो मैं वैसे भी पागल ही हूँ, मेरा कुछ अता पता नहीं होता है लोगों को। बट ए यार काजल, तुम पहले की तरह एक्टिव नहीं लग रही हो। काजल, तुम पहले की तरह एक्टिव नहीं लग रही हो, क्यों? जैसे हम लोग ने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, याद है तुमको? मैं इसको रिश्वत खिलाई थी। हम लोग ने मैंने एक लड़के को लाइन मारा था बस से, वो मुझे देख रहा था, एक लड़की को दे। चलो भैया अभी ऑटो लेते फटाफट, बहुत तेज थक गए, मेरा हाथ दर्द हो गया। वो तुम्हारी ऑडी है? हाँ, मेरी ऑडी तैयार है, वहाँ पे खड़ी होकर वेट करी। वो गली छोटी है ना, यहाँ पे आ नहीं पा रही थी। कैसा लगा तुम्हें मुंबई का पानीपुरी? ऐसे हाथ से भी तुम बता सकती हो, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको कैसा लगा? जी सबसे रिएक्शन दिया। हर्षु बहुत सुंदर आ रहा है, लेकिन यार ये आ जाएगा व्लॉग में, सारा तुम्हारा निकल जाएगा। अभी क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हें पानी तुम्हें कैसा लग रहा है अपने बर्थडे पे? एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग रेनिसा गए, हमारी एक और दोस्त थी, वेटर ने बोला किड्स नॉट अलाउड, और हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे किड्स, हम चौंक गए। सॉरी गाइस, थोड़ा अब शब्दों का यूज कर रहे हैं, बट अब आजकल तो मैंने देखा ये सब चलता रहता है, इट्स नॉट ए बिग डील। ये काजल का दोस्त है ऋषभ। तो फाइनली सुबह बहुत घमासान युद्ध करने के बाद अब हम लोग फाइनली हम साथ साथ गेम खेल रहे हैं, और हम अब चल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम मेट्रो लेंगे, फिर हम दिखाएंगे अब मेट्रो का स्टेशन की गोरखपुर। यार मुझे ऐसा ये मुंबई गोरखपुर जैसे क्यों लग रहा है? यकीन नहीं है ना तुम्हें? अभी बहुत पसीना हो गया लाल बत्ती से, कुछ नहीं होता है। ऑडी आ नहीं पाई अभी मेट्रो स्टेशन से, ऑडी पिक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं इस छोटे बच्चे की बात कर रही थी, बाय द वे मैं इस छोटे बच्चे की बात कर रही थी, तुम्हारी नहीं उसकी। वो देखो स्वीटी सुपाड़ी भी यहाँ पे पानी पीती है। नहीं मैं तो ऊँट के मुंह में जीरा जीरा खाती। स्वीटी तुम्हारी ऑडी कहाँ है? बहुत ट्रैफिक था ना, ओके मेट्रो स्टेशन के बाहर मेरी ऑडी वेट कर रही है। तुम लोग को कभी मेरी मम्मी ने बोला कि अपने फ्रेंड्स को लेके आना। सॉरी मेरा कुछ बोलते हैं कैसे किसी के पास। गाइस कितनी भीड़ है, कितना यार जल्दी चलो, मेरी ऑडी वेट कर रही है। तुम लोग ज्यादा देर तक वेट कराओगे मेरी ऑडी चली जाएगी, कोई इतनी देर रुकता उकता नहीं है। समझी मुंबई का मेट्रो बिल्कुल भी दिल्ली और लखनऊ की तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत
हम लोग बहुत सेफ्टी महसूस कर रहे हैं वाला वीडियो देख रही हूँ, हम लोग बहुत सेफ्टी महसूस कर रहे हैं मर्द लोग के सीने पर चढ़ के बात कर बहुत कंफ्यूज लड़की है, वाइब ले रही है आगे बढ़ गए, दूसरी घाटर में जाएगी, वहाँ मेरी ऑडी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बस अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को कॉल ही करने वाली हूँ, ऑडी लेके आने बस गाइस। हम लोग पहुँच गए, अगर मर्सिडीज मेरी नहीं आई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ए तुम्हारा कॉल आ रहा है क्या? अरे अम्मी लोग को ले लेना चाहिए था, बहुत गरीब है ना हम लोग, अब वैसे भी हम लोग के पास छतरी नहीं है। किड्स का टिकट गायब हो गया है, क्या हुआ? टिकट नहीं मिल रहा है क्या हुआ? कहाँ रखी हो? क्यों क्यों आंखें सीखने? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ उसके साथ में, उसको आंखें कैसे? हम लोग बोला प्रैंक करेंगे, बंदा समूह वाला नहीं, बस स्नैपचैट पे अपनी कोई होगा उसके उसका भी मुंह में इसी में ले लेंगे। लोग क्या एक टिकट खुआ दे रही है, एक का टिकट खो गया, एक एग्जिट ढूंढने गई है। इनका सुन लो, एग्जिट यहाँ पे है, एग्जिट यहाँ पे है, ये यहाँ से चढ़ के फिर वहाँ से वापस आई है। वाओ वाओ वाओ, तालियाँ, ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ। इसलिए छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं लाना चाहिए, ये सारे छोटे बच्चे मुझे एकदम तंग करके रखते हैं। पहले तो कहेंगे दीदी घुमाओ, दीदी घुमाओ, जब दीदी घुमाने ले आएंगे तो दीदी को पागल कर दिए हैं एकदम से। ये देखो अभी भी चल नहीं पा रहे हैं ये लोग। गाइस हम लोग आ गए, वाओ जू में, क्या जू मेरे बाबू, पूरे ब्लॉग में बोली हो, अरे हम पूरे ब्लॉग में मैंने बोला तो मरीन जा रहे, लेकिन सॉरी गाइस जू पे उतर गए, ये बहुत चुड़ैल है ना, कह रही नहीं मुझे यही रुकना है, बच्चों की तरह जिद करने लगी कि मुझे यही रुकना है, मुझे यही रुकना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वाह क्या लग रहा है काजल, अनबिलीवेबल, पीछे वालों से भी पूछो कैसा लगा। सॉरी 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 भैया, बोलो फिर से गाइस, मैं कैमरे से फोटो खिंचाने जा रही हूं क्योंकि शायद आईफोन में कम अच्छा आता है। Thank you.
बारिश और चाय और क्या कॉम्बिनेशन है। ये मेरे ऊपर हंस रहा है। ओह माय गॉड, बारिश और चाय और भैया भैया चाय पी लो भैया, चलो चीयर्स। मुझे कुछ खाने होने का मन नहीं है, बस मेरा चॉकलेट शेक मतलब ब्राउनी शेक खाने का मन था। बहुत पसंद है इसलिए मैं ब्राउनी शेक पीने जा रही हूँ और अपनी फ्रेंड को बड़ा पाव खिला रही हूँ। अगर मैंने मन किया तो थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी, लेकिन मैं चीट नहीं करना चाहती, संदीप चीट डे नहीं करना चाहती। भैया आधा ही लेना है तुमको, इसलिए रुकवा रहे थे। तुम डूब ही गई थी साली, हम लोग एक घर से परेशान थे तुम्हारे पीछे, बोले तो रोने की। लाओ मैं कंप्लीट कर दूं, कैंसिल हो गए। हम लोग मिल गए फाइनली। कहाँ गई थी तुम? जुहू गई थी कॉलेज का बर्थडे। अभी जुहू बीच से आई और मुझे कितना अच्छा सरप्राइज मिला है पता है आपको, फ्रेंडशिप डे पे इतना अच्छा सरप्राइज कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक ये कुतिया आई है लखनऊ से और एक ये आई है लखनऊ से। और मैं इतना, मुझे लगा था ये लोग जब आएंगी तो मैं रोने लगूंगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और मैं इन लोग को देख के इतने सदमे में आ गई क्योंकि मुझे कुछ मेरी बहन और ये सब लोग मिल के ऐसी प्लानिंग मेरे फ्रेंड लोगों ने की कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि ये लोग आ रहे हैं। फिर मुझे लगा यार मतलब मैं ना रो ही पा रही थी ना कुछ कर ही पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं बहुत सदमे में चली गई हूँ। 6393 ये देखिए एक के ऊपर एक भाई, इसका भी मुंह दिखाओ गाइस। अब ये लोग रात की पार्टी करने चल रहे हैं मेरे साथ, बस यही रोक दीजिए भैया। अब ये लोग रात की पार्टी करने चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, इतना सरप्राइज दिया कि मैं शॉक्ड हो गई। इनकी आँख में कुछ हो गया इसलिए ये कांच छुपा रही है और हम लोग कितने खुश हैं। अरे यार चलो यार दिमाग में खा।